Hi friends, welcome back to our channel Kitchen Scoop. Crispy chicken एक बहुत ही popular snack recipe है। इसमें chicken को flour से coat किया जाता है और इसे deep fry किया जाता है। ये बाहर से काफी crisp होता है और अंदर से काफी tender होता है। तो फिर चलिए आज हम बाहर रेस्टोरेंट में मिलने वाली फ्राइड चिकन घर पे कितनी आसानी से बना सकते हैं वो देख लेते हैं। क्रिस्पी चिकन विंग्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले चिकन विंग्स को मैरिनेट करना है, तो उसके लिए हम एक मैरिनेट का प्रिपरेशन करेंगे। मैंने यहाँ पे 1/4 कप दही लिया है एक मिक्सिंग बाउल में, जिसे हम थोड़ी देर के लिए विस्क कर लेंगे ताकि ये जो दही है ये स्मूथ हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी दही अच्छे से स्मूथ हो चुकी है। अब इसमें हम एक अंडे को तोड़कर डालेंगे। अब इसे भी हम दही के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके अंदर हम 3 से 4 टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये सारी चीजें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, इसमें हम 2 बड़ा चम्मच चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड करेंगे, थोड़ा सा क्रश पेपर ऐड करेंगे, नमक, 1 क्रश किया हुआ इलायची, 1 छोटा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करके इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा मैरिनेट रेडी हो चुका है यहाँ पे। इसमें अब हम चिकन विंग्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे करीब 400 ग्राम चिकन विंग्स लिया है। आप अपने हिसाब से चिकन विंग्स कम या फिर ज़्यादा ले सकते हैं। चिकन विंग्स को मैरिनेट के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे कवर करके 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम इसके लिए कोटिंग रेडी कर लेते हैं। तो कोटिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 छोटा कप मैदा लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 छोटा कप कॉर्नफ्लोर, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा क्रश किया हुआ पेपर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच गार्लिक पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए, ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसे हम साइड में रख लेते हैं। अब 3 घंटे बाद मैंने रेफ्रिजरेटर से इस चिकन को निकाला है। अब इसका हम कवर निकाल लेंगे और इसे 20 से 25 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। तो अब हम इसे जो फ्लोर का मिक्सचर हमने बनाया था उससे कोट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक कोटिंग फ्लोर मिक्सचर का देंगे। फिर इसे मैरिनेट में एक बार डिप करेंगे और इसे एक बार और डबल कोट करेंगे फ्लोर मिक्सचर के साथ। इस तरह से आप जब डबल कोटिंग देते हैं तो चिकन के ऊपर एक बहुत अच्छा टेक्सचर ऐड होता है और ये काफ़ी क्रंची भी बनता है। अब यहाँ पे चिकन को फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम कर लिया है। आप यहाँ पे तेल को ज़्यादा गरम ना करें, इसे मीडियम हॉट रखें और चिकन को लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें। तो यहाँ पे एक एक करके हम चिकन के पीसेस को ऐड कर देंगे
और इसे गोल्डन होने तक फ्राई करना है हमें। चिकन को अच्छे से क्रिस्प करने के लिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें। अगर आप यहाँ पे गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो चिकन का ऊपर वाला कोटिंग बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर में से ये कच्चा रह जाएगा। तो जब तक यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है हम इसके लिए एक सीजनिंग बना लेते हैं। ये सीजनिंग कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप बच्चों को ये चिकन दे रहे हैं तो फिर आप ये सीजनिंग को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटे से बाउल में एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स, आधा छोटा चम्मच नमक और थोड़ा सा क्रश पेपर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी सीजनिंग यहाँ पे बनकर रेडी हो जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पे चिकन अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। इसे 10 मिनट लगा अच्छे से पकने के लिए। तो ये देखिए इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये काफी क्रंची भी बना है। इसका एक्सेस ऑयल निकालने के लिए इसे हम एक टिश्यू के ऊपर निकाल लेंगे और फिर इसके ऊपर सीजनिंग डाल के इसे सर्व करेंगे। आप चिली पेपर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आप कितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप चिली और पेपर पाउडर का इस्तेमाल करें। और जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आप ये बच्चों को सर्व कर रहे हैं तो फिर आप सीजनिंग इसमें अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक कीजिए और हमें कमेंट में लिख के बताइए आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साइड में दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। इससे हमारे आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और हमें इसी तरह से मोटिवेशन मिलता रहेगा आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज की वीडियो लेके आने।